सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही आखिरकार गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के वक्त चौधरी परवेज इलाही की अहलिया भी साथ थी। पुलिस ने चंद रोज पहले भी चौधरी परवेज इलाही के घर की तलाशी ली थी। पुलिस की जानिब से जोरू इलाही रोड को कई रोज से नाकाबंदी जारी थी। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही आखिरकार गिरफ्तार। जहूर पहले से तीन गाड़ियां निकली। जहूर इलाही रोड गोल चक्कर के नाके पर पुलिस ने गाड़ियां रोक दी। गाड़ियों की तलाशी के दौरान बुलेट प्रूफ गाड़ी से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का कहना है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी से चौधरी परवेज इलाही बाहर नहीं आ रहे थे, वो फरार की कोशिश में थे। दरवाजा न खोलने पर शीशा तोड़ने की कोशिश की गयी। जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो अंदर से चौधरी परवेज इलाही बरामद हुए। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने इनको अरेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ लाहौर पुलिस। ये ऑपरेशन हो गया और परवेज इलाही नहीं हाथ आए तो फिर उन्होंने जमानत ले ली थी। फिर उसके बाद वो बाहर भी आए, फिर उन्होंने दो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, फिर इसके बाद उनकी ये एंटी करप्शन के केस में जमानत कैंसिल हुई तो फिर से वांटेड हो गए और अब वो आज पकड़े गए हैं। चौधरी परवेज इलाही को CIA पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर में मुंतकिल कर दिया। एंटी करप्शन हुकाम उनसे तहकीकात करेंगे। पुलिस और एंटी करप्शन टीम गिरफ्तारी के लिए घर के बाहर मौजूद थी। 10 रोज से जहूर इलाही रोड को बंद किया गया था। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चौधरी जहूर इलाही रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है।